देखिए, जब पुराने जमाने में एनेस्थेशिया दिया जाता था तो ये एनेस्थेशिया सब्जेक्ट बहुत पुराना है, जो पहले जमाने से जो एकदम क्रूड टेक्निक, जो एकदम देसी टेक्निक से दिया जाता था, जैसे कि सर पे बड़ा जोर से मार दिया, उसको सुन्न कर दिया, या फिर गला दबा के उसको बेहोश कर दिया, फिर ऑपरेशन किया, या तो फिर दूसरे अजीबोगरीब नमूने के तरीके अपना के ऑपरेशन करवाते थे। मेन मुद्दा यह रहता था कि ऑपरेशन के दरम्यान पेशेंट को कम से कम दर्द हो और ऑपरेशन का पता नहीं चले। तो एनेस्थेसिया मतलब इसी ऐसे ही ब्रांच का नाम है जो एमनेसिया और एनाल्जेसिया जो मेन है। एमनेसिया मतलब पेशेंट का ऑपरेशन का कुछ भी भान हो नहीं हो, या और ऑपरेशन का दर्द भी ना हो, उसको एनाल्जेसिया बोलते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1846 के बाद एनेस्थेसिया में टेक्निक्स रिफाइन होते गए हैं। जो पुराने जमाने में मास्क लगा के गैस दे देते थे, पेशेंट को बेहोश कर देते थे, वहां से लेके अभी जो नस के अंदर देने वाली दवाएं भी आ चुकी हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है, जो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है, उसके हिसाब से ड्रग्स भी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ड्रग्स भी आ चुके हैं। अभी पहले जैसा एनेस्थेसिया में 15 से ले टका लेके 20% तक पेशेंट को तकलीफ हो सकती थी, अभी वो रिड्यूस होके 1 से 0.5% हो गया है। कि एनेस्थेसिया का कॉम्प्लिकेशंस जो हम कहते हैं, जो पेशेंट को एनेस्थेसिया देने से प्रॉब्लम हो सकता है, वो वाले कॉम्प्लिकेशन 1% से भी कम हो गया है। इतना सेफ हो गया क्योंकि कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग्स हैं हमारे पास, हम सब बॉडी का जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसका भी एडवांसमेंट हो चुका है, काफ़ी एडवांसमेंट अपने समझ भी, अपना मेडिसिन नॉलेज का भी समझ भी काफ़ी काफ़ी एडवांस हो गया है। वो सब नॉलेजेस, सब ब्रांच के नॉलेजेस का एनेस्थेटिस्ट को नॉलेज होता है, तो उसका यूटिलाइज करके पेशेंट को एक सेफ गाड़ी में ले जाने की प्रक्रिया हो गई है अभी।